वेलकम बैक। अब रुख करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में अपनी साबिका रवायत को बरकरार रखते हुए अंजुमन पटवारियां तहसील तमाम तहसील ऑफिस में रिटायर्ड होने वाले पटवारियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा माल के अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना मंसूर अली की इस रिपोर्ट में। पटवारियान के जेरे है तमाम रिटायर्ड होने वाले पटवारियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आगा जहीर अब्बास शिराजी, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार, तहसीलदार आमिर नवाज खिची, नायब तहसीलदार गोहर नवाज ढक, राजी रिकॉर्ड सेंटर चौधरी शाहिद महमूद, असिस्टेंट ने रिटायर्ड होने वाले पटवारियों को तहाइफ और यादगारी शील्ड भी पेश की। कैमरामैन टीम के साथ राना मंसूर, ब्यूरो चीफ खानेवाल। आगे बढ़े और गोटकी से आपको अपडेट करें कि कम से कम बच्चे के कत्ल का मामला, मीरपुर में तलबा और सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरा। हानपुर महर से आपको अपडेट करें कि गुज़िश्ता रोज 6 साल बच्चा गुलाम मोहम्मद का गला काट के अफसोसनाक वाकया पेश आया था। आपको बताएं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर के तलबा का क्लासों का बाइकॉट भी कर दिया गया है। घोटकी से आपको अहम खबर से आगाह करें कि मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। असद एजाज मलही को फौरी तौर पर हटाया जाए, मुजाहिरीन ने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बेदर्दी से कत्ल किए गए मासूम बच्चे के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अब रुख करते हैं गुजरात का। एटीएम से पैसे चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दौरान चोरी अलार्म बजने से पुलिस मौका पर पहुंच गई, चोर को गिरफ्तार कर लिया। एटीएम से चोरी की कोशिश की सीसीटीवी फुटेज रॉयल न्यूज को मौसूल हो गई। मुलजिम लाला मूसा में वारदात के बाद खारिया में चोरी करते गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी की गई रकम कब्जा में ले ली है। आगे आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि चाचर शरीफ की दुखियारी माँ, जिसकी आंखें अपने बेटे मोहम्मद आसिफ को इंजीनियर बनने की तमन्ना एक सपना बन गई। दुखियारी माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, वालिद के बुढ़ापे का सहारा भी छीन गया। चाचना शरीफ का रहायशी 18 साल मोहम्मद आसिफ को इंजीनियर बनने का शौक था। गुर्बत ने उसके पाँव जकड़ रखे थे, पर वो हिम्मत ना हारा और रहीमयार खान सिटी के टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। मगर वो दूसरी तरफ जॉब भी करता रहा, जहां पर निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके मुलजिम को कत्ल कर दिया। अहले खाना और वालिदैन मकतूल की गिरफ्तारी के लिए, मकतूल के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हम मकतूल के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में डेफ वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत जोश व खरोश से पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मियां जाहिद हुसैन भट्टी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चौधरी तनवीर अहमद चद्दर थे। शुरुआत ने खिताब करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जहां पर मजूर अफराद भी हातिम नबी का जश्न विलादत मनाते हैं। इंशाल्लाह इस रवायत को बरकरार रखेंगे। इस मौके पर दूर दराज इलाकों से गूंगे बहरे अफराद ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत भी की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके महल्ला गफूर आबाद में साबिक शोहर ने हातून को छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी हातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम फरार हो गया। महल्ला गफूर आबाद की अर्शियात बेबी 6 बच्चों की मां है, जिसके साबिक शोहर अल्लाहदार ने दोबारा शादी करके झांसा देकर बुलाया। जबकि खातून वहाँ पहुंची तो किसी बात पर तकरार हुआ, जो तो शोहर ने तफ्तीश में आ गए और इसने साबिका बीवी को छुरियों के दिपे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे रेस्क्यू 112 ने जख्मी खातून का तबी इमदाद के बाद शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। थाना सिटी ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। एसएचओ थाना खानका डोगरा ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से नाजायज असलहा, शराब और मनशियात की बड़ी मकदार बरामद करके मुलजिम को जेल रवाना कर दिया है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर सरदार कामरान डोगर एसएचओ के साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की। हम थाना खानका डोगरा एसएचओ अदील शौकत बलोच के साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं की उन्होंने इश्तहारे मुलजमान और नाजायज असलहा और मनशियात के खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया, आइए उनसे पूछते हैं। जी
जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आर पी ओ साहब शेखपुरा और डी पी ओ साहब शेखपुरा की हदायत के मुताबिक हमने आज तक तकरीबन 2 माह में जो है वो 40 के करीब जो है वो मुजरमान इश्तियारी गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में नजायज़ असलाह बरामद किया है, नजायज़ फरोशों को बड़ी तादाद में जो है वो जेल में भेजा है, और इसके अलावा जो मुशतबा गान या बद रवैया गान या साहब का कहना है कि हमने काफ़ी बड़ी तादाद में नजायज़ असलाह और मनशियात फरोश को पर्चे दर्ज किए हैं। अब खबर शामिल करते हैं तांद्रेवाला से। आपको बताएं कि सीईओ बल्दिया इकराम उल्ला सिंधु ने तांद्रेवाला शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से लाह अमल तश्कील दे दिया, जिस पर कल से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। सीईओ बल्दिया इकराम उल्ला सिंधु ने शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से हुकूमती अहकाम पर सहाफियों को ब्रीफिंग दी और कहा कि जल्द ही तांद्रेवाला में इंक्रोचमेंट पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नाजायज काबजन से सरकारी अराजी को हर सूरत वाकजा किया जाएगा। अब बात करते हैं भावलपुर की, और आपको बताएं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भावलपुर की तामीर और तरक्की के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पीएचए और बीटीए के सरबराहान ने खसूसी शिरकत की। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि भावलपुर की तामीर और तरक्की और सरसब्ज भावलपुर के हवाले से मनसूबा बंदी भी की गई। मेयर भावलपुर अकील नजम हाशमी का कहना था कि पीएचए एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका है और होल्डिंग बोर्ड की मद में रिकवरी भी पीएचए ही वसूल कर रहा है, मगर अभी तक बिल्स की अदायगी कॉरपोरेशन के जिम्मा है, लेकिन जब रिकवरी पीएचए डिपार्टमेंट कर रहा है तो बिल्स की अदायगी भी वो खुद ही करेगा। मीटिंग के इख्तिताम पर चेयरमैन पीडीए मलिक आमिर और चेयरमैन पीएचए शहला एहसान का कहना था कि भावलपुर की तमीर और तरक्की के लिए माहाना ऐसी मीटिंग्स का इनेकाद बेहद ज़रूरी है ताकि तमाम डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ कर शहर की खूबसूरती में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। फिल वक्त इतना है, किसी भी खबर से अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहें सिर्फ रॉयल न्यूज़।